इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोक कला मंडल मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। जिला परिषद और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पर्चा भरना जारी, खूब उड़ रही है कोविड नियमों की धज्जियां, बेबस जिम्मेदार। गुर्जरों के बाद कानोड वालों ने भी समस्या निदान के लिए पटरियों को उखाड़ा, अंडरब्रिज के गलत निर्माण पर सुनवाई नहीं होने पर फूटा गुस्सा। 37 सालों बाद भी न्याय दिलाने वालों को नहीं मिला न्याय, सरकारें बदलती रही, सभी ने किया गुमराह, अधिवक्ता साथी फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में। और अब कलेक्टर नकाते साइकिल पर पहुंचे भिलवाड़ा वालों के द्वार, समस्याओं के शीघ्र निदान के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनावों की, सरगर्मियों की। पंचायत चुनाव के साथ जिला परिषद सदस्यों के लिए दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और नामांकन के लिए दौड़ तेज है। शनिवार को भी उदयपुर जिला कलेक्ट्री में भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खासी भीड़ देखी गई। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन के लिए कई प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्री और जिला परिषद पहुंचे। शनिवार को हुई नामांकन प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। शनिवार को अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्री पहुंचे प्रत्याशियों ने भी जीत की खूब दावे किए। वहीं उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा ने जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति सभी के सामने होगी और जिला परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे देहात जिला अध्यक्ष जी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद सदस्य हेतु मुझे लसड़िया से चुनाव लड़ाने का पार्टी ने जो निर्णय लिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं वहां से भारी मतों से विजयश्री हासिल करूंगा। हमारे आदरणीय एमपी साहब भी यहाँ पर बिराज रहे, देहात जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ पर बिराज रहे हैं, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी मेरे पर विश्वास जिताया, इसके लिए मैं इनका ही तहे दिल से धन्यवाद। हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे वहाँ के एमएलए साहब, प्रधान साहब, सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया, इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ज़्यादातर जिला परिषद सदस्यों ने नॉमिनेशन फॉर्म किया है और ये जो पंचायत राज चुनाव जो हो रहे हैं राजस्थान में, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही ये चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार ने कोई विकास के काम कुछ कराए नहीं और जो ऑन गोइंग योजना चल रही थी, भारत सरकार की योजना चल रही थी और राज्य सरकार की, पूर्ववर्ती सरकारों की जो योजना चल रही थी वो भी सारी बंद पड़ी हुई है। तो इसलिए अभी इस पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ेगी और ज़्यादातर ज़िलों में पंचायतों पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनाएंगे, जिला प्रमुख बनाएंगे और प्रधान बनाएंगे और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जीत कर आएंगे। अपन 8 तारीख को देखेंगे ना, रिजल्ट आएगा उससे पता लग जाएगा, क्योंकि आप और हम यही है कि सर जनता तो बिल्कुल इंतजार में बैठी हुई है कि कैसे आए और कैसे उसको कमल पर बटन दबाए ताकि इनको वहाँ शिकस्त दे। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जारी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अब स्वयं सेवी संगठनों के साथ शहरवासी भी इस लड़ाई में पहली पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में अब जनमानस भी जुड़ने लगा है। उदयपुर के प्रतिबद्ध संस्था, नगर निगम और स्काउट गाइड की ओर से जागरूकता के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। ऐसे में शनिवार को प्रतिबद्ध संस्थान, स्काउट गाइड और नगर निगम की ओर से आयोजित जन जागरण रैली का शुभारंभ हाथीपोल से किया गया, जिसमें सभी लोगों के हाथ में कोरोना से बचाव के स्लोगन लिखी गई तख्तियां थी। हाथीपोल से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए रैली चांदपोल पहुंची। प्रतिबद्ध संस्था के गिरीश भारती ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क और 2 गज की दूरी रखने के निर्देश सरकार ने सख्ती से दिए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जब तक जनमानस भागीदार नहीं बनेगा तब तक किसी भी महामारी को जड़ से खत्म करना नामुमकिन है। Oh,
मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी दोनों का एक ही निवेदन है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी को लेकर, जागरूकता को लेकर आज नगर निगम उदयपुर और हमारी प्रतिभा संस्था और भारत स्काउट गाइड और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के बच्चे, लोक कला मंडल के बच्चे, कलाकार सब मिलकर कोरोना जागरूकता को लेकर एक जन जागरूकता रैली लोकगीतों के माध्यम से कर रहे हैं। तथा इसके साथ जो हिंदुस्तान स्काउट और गाइड के बच्चे हैं, ये बच्चे मार्च पास्ट के साथ चलेंगे। एक बड़ा ही हमने एक अनोखा तालमेल मिटाया है, संगीत के साथ मार्च पास्ट करेंगे बच्चे। ये एक अपने आप में कोरोना जागरूकता का लेकर विशेष संदेश है कि जब तक इसकी कोई दवाई वैक्सीन नहीं आती है, सबको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, लगातार हाथ धोने हैं, मास्क का उपयोग करना है। और मेरा जो त्यौहार का सीज़न है इसको लेकर खास तौर से हम त्यौहारी सीज़न में मार्केट में घूम रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें, हैंड वॉश करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। त्यौहार है, हमेशा आते जाते रहेंगे, पर यदि जान है तो जहाँ है उसको देखते हुए आप सबसे निवेदन है कि सरकार की कोविड की गाइडलाइन उसकी पालना करें। जय हिंद। 7 नवंबर 1982 को उठी चिंगारी 7 नवंबर 2020 तक विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन अभी तक न्याय दिलाने वालों को न्याय नहीं मिल पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की लगातार उठती मांग की। पिछले कई सालों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग मेवाड़ में एक बार फिर गूंज उठी है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शनिवार को उदयपुर के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। पिछले कई सालों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। कोर्ट परिसर में ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा एवं संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 1982 में आज ही के दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और फिर से एक बार 7 नवंबर को सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में ही हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर धरने पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनीष शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़, भरत जोशी, भरत वैष्णव, चक्रवर्ती सिंह राव, राजेश शर्मा व दिनेश सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए यहां के अधिवक्ताओं के साथ साथ मेवाड़ की जनता ने भी पूरा सहयोग दिया और वर्तमान में भी सभी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आज ही के दिन 1982 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आज पूरे 38 वर्ष पूरे हो गए हैं और 39वें वर्ष में हम प्रवेश करें इस आंदोलन में। आपके इस चैनल के माध्यम से हम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे इस मेवाड़ की भोली वाली जनता और गरीब और आदिवासी जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए कुछ सोचे, कुछ गहरी नींद से बाहर आएँ और अपनी क्षमता को दिखाते हुए उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें ताकि यहाँ की आदिवासी एवं गरीब जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सके। ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि जो जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है क्षेत्र में, वो अपने इस लोकल घोषणा पत्र में इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अपना वादा लिखती है उसमें कि हम हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे, परंतु जीतने के बाद दोनों ही सब प्रकार की पार्टियां इस जो अपने चुनावी वादे को भूल जाती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन पार्टियों के जो करता धरता है उनसे आग्रह करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें, नहीं अन्यथा जनता स्वयं अपना जो रौद्र रूप जो एक अभी दिखा नहीं पाई, जब दिखाएगी तब आप सबको यहां से हटना पड़ेगा। मैं इसी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उनको सोचना चाहिए और जनता के बारे में सोचना चाहिए मेवाड़ की। मावली बड़ी सादड़ी रेलवे मार्ग पर कानोड़ के निकट खेताखेड़ा गांव जाने के लिए बनाए जा रहे रेलवे अंडरब्रिज से आवागमन की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, लेकिन काफी देर तक किसी के मौके पर नहीं पहुंचने और समस्याओं को अनसुना करने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे पटरी उखाड़ते हुए प्रदर्शन किया। रेलवे लाइन उखाड़ने की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल जाने से मेवाड़ में गुर्जर आंदोलन की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया। मामले की जानकारी मिलते ही कानोड़ तहसीलदार रामनिवास मीणा व स्थानीय थाना पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास करते हुए शिकायत को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने की बात कही। मौके पर एडिशनल एसपी मुकेश सांकला, डिप्टी हितेश मेहता के साथ रेलवे विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा करते हुए समाधान का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माणाधीन अंडरब्रिज में किसान फसल से भरी बैलगाड़ी,
ट्रैक्टर तक नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस तरह अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है उससे होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। कई बार समस्या को लेकर शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए निदान के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर जल्द समाधान करने की बात कही। बाद में उपखंड अधिकारी मयंक मनीष ने भी पीडब्ल्यूडी व रेलवे विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। उदयपुर में पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद सदस्य के लिए जारी नामांकन के दौर में शनिवार को बड़गांव और भुवाड़ा में नामांकन दाखिल किए गए, लेकिन इस नामांकन प्रक्रिया में राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जहां राजस्थान सरकार ने 5 लोगों से अधिक एकत्र होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नामांकन सेंटर पर प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते पहुंचे। यही नहीं, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का नेतृत्व पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने किया। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा 2 साल तक कोई विकास कार्य नहीं किए जाने की दुहाई देने वाले नेता ही गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान बड़गांव और भुवाड़ा पहुंचे। वहीं कई समर्थक ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते मौके पर पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए फूल सिंह मीणा ने राजस्थान सरकार को नकारा बताते हुए लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी की छाप छोड़ने की बात कही। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के सवाल पर मीणा ने कन्नी काटते हुए कहा कि नामांकन सेंटर पर 5 लोगों से ज्यादा नहीं जा रहे हैं और जो भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है वह तो समर्थकों का उत्साह है। आज हमारे भुवाड़ा मंडल के इस ग्राम पंचायत शोभापुरा भुवाड़ा धार वड़ी और वर्डा का यह पंचायत समिति का नामांकन के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु आए हैं और इस नामांकन के इस पावन अवसर पर हमारे मंडल अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह सारे कार्यकर्ता, मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। जिला परिषद में जिला प्रमुख भी हमारा बनाने की पूरी इन्होंने मन में ठान ली है और हमारा गिरवा और बड़गांव मंडल का प्रधान भी, ये कार्यकर्ताओं ने मन में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि पूर्व में जो 2 साल से जो सरकार ये चल रही है, ये 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है, जनता के अंदर आक्रोश है और इन्होंने ठान ली है कि ये कांग्रेस को वापिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बनाकर जवाब देना है। भाई साहब, ये जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है नामांकन दाखिल करने के लिए 5 लोगों से ज़्यादा आना नहीं है कोरोना काल में, मगर यहाँ रैलियों के रूप में आया जा रहा है और आप भी उसमें? नहीं, रैलियों में तो नहीं है, मैं तो 5 आदमी अंदर गए थे, 5 आदमी थे, ये लोग बागों को लाया नहीं गया है, ये तो इनके उत्साह में ही आए हैं, बाकी 5 आदमियों से अंदर, बल्कि 3 आदमी एक कैंडिडेट, यूँ करके 5 आदमी गए हैं, ज़्यादा आदमी अंदर नहीं गए हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहाँ आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। मोटोकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6,100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7,000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2,000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप पेरेंग से घर ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लेक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपोन पेंट के ऑथोराइज डीलर, सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास
जीवन भर के अटूट रिश्ते का, बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लेक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे बापू बाजार उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदी ही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी के कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना, आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रताप नगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए केश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री, कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए, सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहां आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है, देर ना करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हेलो, आई एम GS सिसोदिया, देव एविएशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी इन द राजस्थान। वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड एयरपोर्ट विजिट्स फॉर मॉक इंटरव्यूज, बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है
इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। AHA Airline and Hotel Management Academy, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल। एडमिशन ओपन, फर्स्ट फ्लोर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स अपोजिट अग्रवाल धर्मशाला, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल इट 7023144442, 8107392702, वेबसाइट www.aha-udaipur.com। डोमेस्टिक मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरण मंगरी मेन रोड, उदयपुर। स्वागत है।
बिलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते का नया अंदाज आमजन को भा रहा है। जिला कलेक्टर द्वारा साइकिल या मोटरसाइकिल पर दौरा करने से आमजन को अपनी समस्या सुनाने कलेक्टर तक जाने की जरूरत नहीं रही। शनिवार को भी कलेक्टर नकाते नगर परिषद कार्यालय से साइकिल लेकर रवाना हुए और टेक्सटाइल मार्केट, गांधी सागर तालाब व शास्त्री नगर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी सहित कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि सप्ताह में एक बार हम ऐसे दौरे पर निकलते हैं जिससे कि शहर की समस्याओं के बारे में जान सके। इस बार सड़क, बिजली के तार और गांधी सागर तालाब का निरीक्षण किया गया। टेक्सटाइल मार्केट में सफाई व्यवस्था, गांधी सागर तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि हम लगातार शहर में सफाई कर रहे हैं और गांधी सागर के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर लगे हुए, लेकिन अभी रोक लगने से समय और लगेगा। दौरा मेरा 7 दिन या 10 दिन में एक बार रहता है सिटी राउंड, जिसमें हम सफाई के साथ साथ पीने के पानी के कई लीकेजेस है, क्या RUIDP के रोड के रिपेयरमेंट का काम है, बिजली के तार हैं, सभी प्रकार के कार्य देखते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये दौरा है। नगर परिषद और सभी अधिकारी जो जो पूर्व के दौरे के निर्देश दिए थे उसकी पालना भी कर रहे, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो टेक्सटाइल मार्केट में भी शिकायत थी कि वहाँ थोड़ा सफाई और अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वहाँ का दौरा रखा था। और ये गांधी सागर तालाब है, इसको भी हमेशा लोगों से मांग उठती है, इसकी साफ सफाई हो, सौंदर्यीकरण हो, तो उस दिशा में आगे प्रयास किए जाए। नहीं, हम कंटिन्यू सफाई कर रहे हैं, फिर भी जो कलेक्टर आपने जो डायरेक्शन दिए हैं, डायरेक्शन सफाई वाला इशू तो जो भी है डायरेक्शन दिए हैं उसको उसी सेम डे करवा देते हैं। और भी गांधी सागर तालाब के बारे में जो सर ने सौंदर्यीकरण के बारे में, इसकी सफाई के बारे में, सफाई का तो हमारा टेंडर किया हुआ है, कंटिन्यू करवा रहे हैं। अभी भी हमारी वो कुछ नावा वगैरह जिसे करवा रहे हैं वो लगी हुई है, वो सौंदर्यीकरण के बारे में हम इसका एक प्लान बना लेते हैं। पंचायती राज चुनावों में नामांकन भरने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अभी तक उदयपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, वहीं भाजपा पूरे दमखम से उम्मीदवारों को पर्चा भरवा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर शहर से सटी बड़गांव पंचायत समिति के सदस्य के लिए बड़गांव SDM ऑफिस में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार को लोयरा और थूर सीट से BJP की ओर से श्रीमती उषा डांगी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ निवर्तमान प्रधान खूबीलाल पालीवाल और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रत्याशी उषा डांगी ने थूर और लोयरा पंचायत की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने का वादा किया है। कोरोना महामारी के कारण नामांकन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। अभी ये वहाँ से श्रीमती उषा जी डांगी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज फार्म भरा है और अब हमारे कुल मिला के 15 वार्ड है। 15 में से लगभग 70% वार्डों की फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दो तीन जगह के फार्म बाकी है, तो हम सोमवार तक इसको पूरा कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हमारे गाँव, देश की जनता, जो राज्य की जनता है, कांग्रेस सरकार से पूरी तय तय मच गई है और कांग्रेस सरकार से बहुत जो इन्होंने झूठे वादे करके जो राज्य दिया है उसी से जनता सब दुखी है। और हमको पूरा विश्वास, जनता कार्यकर्ता से सब माध्यम से सभी बंधु मिल के हम पुनः बड़गांव पंचायत समिति में, जिला परिषद में जिला प्रमुख भी हमारा भारतीय जनता पार्टी बैठेगा और पंचायत समिति में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। मेरा पूरा विश्वास आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित करें। भारत माता की। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि पंचायत लोहरा और थूर से पंचायत समिति सदस्य पर उम्मीदवार खड़ा किया है। मैं आप सबका बड़े तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अभी तक पंचायत जीतलवास में गई हूँ, वहाँ पर पानी की समस्याओं का यानी कि समस्या मेरे सामने आई है। थूर से भी सिंचाई के लिए थोड़ी बहुत समस्या मेरे सामने आई है और जो भी समस्याएं हैं मैं उनको नोट करते हुए उनका पूरा समस्याओं का समाधान करूंगा। थैंक यू। भिलवाड़ा के हरणी महादेव स्थित एक निजी होटल में शनिवार को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
समारोह के मुख्य अतिथि एवं बैंक अध्यक्ष आरसी गग्गड़ ने जिले की 45 शाखाओं के प्रबंधकों का सम्मान किया, जिन्हें स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय के प्रबंधक महावीर जांगीर और क्षेत्रीय प्रबंधक डीएस मेड़तिया, बैंक की भिलवाड़ा एवं अजमेर जिले की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मार्केटिंग प्रबंधक महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया। बैंक अध्यक्ष आरसी गग्गड़ ने कहा कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रदेश के 21 जिलों की 856 शाखाओं, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों और 4,200 से अधिक बैंक मित्रों के नेटवर्क के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 17 फरवरी से 21 मार्च 2020 तक एक माह के लिए चलाए गए विशेष वसूली अभियान निर्णायक जंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाखा प्रबंधकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बैंक के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान के 21 जिलों में 856 शाखाओं, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 4,200 से अधिक बैंक मित्रों की नेटवर्क के माध्यम से सुदूर गाँवों एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक का व्यवसाय 33,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्तीय वर्ष 19-20 में बैंक को 138 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 महीनों में ये शुद्ध लाभ की राशि 94 करोड़ रुपए रही है। इस चुनौतीपूर्ण बैंकिंग माहौल में बढ़ते हुए व्यवसाय का क्रम जारी रखना और लाभप्रदता अचीव करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन हमारे ये बैंक की कार्य निष्ठा से परिपूर्ण जो टीम है, 4,000 प्लस से अधिक स्टाफ है, वो लोग इस कार्य को अंजाम देते हुए बैंक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आज हमने जो है फरवरी मार्च महीने में चलाए गए निर्णायक जंग अभियान में वसूली के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली 45 शाखाओं का सम्मान समारोह रखा है, जिसमें हमने शाखाओं को व्यवसाय वृद्धि NPA में जो है फर्दर रिडक्शन के लिए प्रेरित किया है और ग्राहकों को उत्कृष्टतम ग्राहक सेवा देने के लिए प्रेरित किया। पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नामांकन में शनिवार को भिलवाड़ा जिला परिषद के लिए 13 और पंचायत समिति सदस्यों के 218 नामांकन दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रत्याशियों को सैनिटाइज कर नामांकन पत्र लिए गए। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नामांकन का चौथा दिन पंचायत समिति मुख्यालयों पर प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज किए गए। जिले में 37 जिला परिषद सदस्य और 14 पंचायत समितियों के 254 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके नामांकन की अंतिम तिथि 9 नवंबर तक है। अब तक जिला परिषद के 17 और पंचायत समिति के 240 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज करवाया है। आज जिला परिषद के लिए 13 नामांकन दाखिल हुए हैं और कुल अब तक 17 कैंडिडेट्स द्वारा दाखिल किए हैं। पंचायत समिति के लिए आज कुल 218 नामांकन प्राप्त हुए हैं और अब तक प्राप्त नामांकन पत्रों की संख्या कुल 240 है। सोमवार 9 तारीख को अंतिम दिवस है नामांकन दाखिल करने का। 3 बजे तक संबंधित अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जिला परिषद और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पर्चा भरना जारी, खूब उड़ रही है कोविड नियमों की धज्जियां, बेबस जिम्मेदार। गुर्जरों के बाद कानोड वालों ने भी समस्या निदान के लिए पटरियों को उखाड़ा, अंडरब्रिज के गलत निर्माण पर सुनवाई नहीं होने पर फूटा गुस्सा। 37 सालों बाद भी न्याय दिलाने वालों को नहीं मिला न्याय, सरकारें बदलती रही, सभी ने किया गुमराह, अधिवक्ता साथी फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में। और अब कलेक्टर नकाते साइकिल पर पहुंचे भिलवाड़ा वालों के द्वार, समस्याओं के शीघ्र निदान के दिए निर्देश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।